ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 16 नवंबर मंगलवार आज के मिथुन राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का शुक्रवार का दिन। दोस्तों आज आप कुछ नया करने का प्लान बना सकते हैं और आपके काम करने के तरीकों में भी पहले से बहुत सुधार आ जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी काम करने की क्षमता और जानकारी का विस्तार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मानसिक तौर पर अधिक मजबूत होंगे जिससे आप हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आज आपके अंदर मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। किसी नए काम से कुछ नया सीखने का मौका भी आज आपको मिलेगा। अपने किसी परिचित के साथ किसी नई योजना पर विचार विमर्श करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और किसी नजदीकी मित्र की मुलाकात से आपको खुशी का अवसर भी आज प्राप्त होगा। दोस्तों अगर कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं तो निवेश थोड़ा थोड़ा करके ही करें, इससे आपको भविष्य में अधिक लाभ होगा। नौकरी और बिजनेस में किसी बाहरी व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है, खासतौर से आपको अपने सीनियर अधिकारियों का सहयोग आज मिल सकता है और आप कामकाज के दिक्कत से बिल्कुल भी ना घबराएं, सभी कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों आपको अपने साथी से प्यार में सुख और लाभ होने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ धन लाभ के योग भी रहेंगे और आप घर के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का सही से पालन करेंगे और परिजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बैठकर चर्चा भी करेंगे तथा घर की साज सज्जा को लेकर आज कोई प्लानिंग भी बन सकती है। आज आपको अपने सभी कार्यों पर पूर्ण रूप से संतोष भी होगा। अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपकी मजबूती आएगी और साथ ही साथ परिजनों से भी संबंध अच्छे होंगे। आज लव पार्टनर के साथ समय भी अच्छा बीतेगा। शाम का पूरा समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बीतेगा। दोस्तों धन संबंधी कार्यों में भी आज सफलता मिलेगी और व्यवसाय से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता तथा भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे। आज माता का आशीर्वाद मिलेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो रिश्ते अलग से हैं उनमें पारदर्शिता रखें। साथ ही विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। सारा दिन अध्ययन की अधिकता बनी रहेगी। आपकी मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अधूरा ना छोड़ें। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सावधानी बरतें। साथ ही वाहन और मशीनरी के कार्यों को ध्यानपूर्वक करें और आलस्य से आपको नुकसान हो सकता है। अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें, आपका दिन उत्तम गुजरेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। दोस्तों समय आज का उतार चढ़ाव से भरा रहने के बावजूद भी अच्छा रहने वाला है। मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल करने की भी आपको आवश्यकता है, अन्यथा आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच में खुद को घिरा हुआ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास आज सफल हो सकता है। दंपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है। दंपत्य जीवन में चल रहा तनाव भी आज दूर होगा। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज कार्यभार की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से आपको कार्यों में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। व्यवसाय में धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके काम से आज प्रसन्न रहेंगे। प्रॉपर्टी में आज आप निवेश कर सकते हैं, यह आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं
आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों भ्रम भय वे पीड़ा की स्थिति आज उत्पन्न होने के पूरे आसार बने हुए हैं, इसलिए आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आप को तनाव मुक्त रखने की पूरी कोशिश करें, किसी प्रकार की टेंशन न लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान हनुमान को लाल कपड़ा या केसर या सिंदूर अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाएं, इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों आपको भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।